नीतीश बाबू जो आजकल घूम रहे हैं चाय नाश्ते पे, तो चाय नाश्ता करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। बिहार तो संभल नहीं रहा, ये कब पलटी किधर मार देंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं, ये बात सब समझ रहा है। नीतीश कुमार जी को इसलिए साथ में ले जाना पड़ता है तेजस्वी जी को, कि सब पूछ रहा है कि आधा बतवा भूल जाएंगे, मेमोरी लॉस सीएम। सबको लिखवा लेना चाहिए कि नीतीश बाबू आए थे, बाद में ही पलटी करते हैं कि आज रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण किया है, पूरा बिहार यूनिट उनका पूरी तरह स्वागत करता है। बिहार के एक मजबूत नेता के तौर पर वो उभरे हैं, बिहार में और मजबूती मिलेगी। और नीतीश बाबू जो आजकल घूम रहे हैं चाय नाश्ते पे, तो चाय नाश्ता करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। बिहार तो संभल नहीं रहा, क्योंकि वो जिन जिन घर पे जा रहे हैं तो राजा वाली पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ एक युवराज घूम रहे हैं, तो वही घर वो देख रहे हैं जहां लोकतंत्र नहीं है। अभी शिवसेना के दरबार में गए, तो हम तो नीतीश बाबू से पूछना दो चीज चाहते हैं कि अब शिवसेना सांप्रदायिक है कि नहीं है, और बिहारी को, पूरे बिहारी समाज को पिटवाने वाला शिवसेना के, हाँ यदि कोई नेता जा रहा है तो इन तो उनको बताना पड़ेगा ना बिहार आकर कि राज दरबार में बैठ कर आ रहे हैं। पोल तो खुल गया इनका उड़ीसा में, ये कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ राजनीतिक बात करने के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद वहां के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा हमसे कोई राजनीतिक बात नहीं। ऐसे कई मुख्यमंत्री आपको मिलेंगे जो ये बाहर आकर कहेंगे आगे के दिनों में, क्योंकि नीतीश बाबू को आधा बात तो याद भी नहीं होगा, 1-to-1 आजकल कर रहे हैं, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री 1-to-1 मिले, वो यदि ट्वीट नहीं करते तो नीतीश जी बाहर में तो झूठ प्लान करते, हमसे तो बात हो गई उड़ीसा के मुख्यमंत्री का, क्योंकि उनके जो सिपा सलार हैं उनको तो खाना भी नसीब नहीं हुआ बेचारे को, समझिए यहाँ से गए थे पूरा बंडी बंडी पहन कर, उनको तो गेट के बाहर उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। तो आज देश की स्थिति यही है, ये केजरीवाल जी के यहाँ भी गए होंगे, राहुल गांधी जी के यहाँ भी हमको दिल्ली में पता चला कि सबको बाहर कर दिया था, कि सबको मिलने मिलने नहीं दिया था, नीतीश कुमार जी को भी लालू जी के पैर भी पे मिलने दिया, लालू जी उनके भरोसेमंद है। नीतीश कुमार जी को इसलिए साथ में ले जाना पड़ता है तेजस्वी जी को, कि सब पूछ रहा है कि आधा बतवा भूल जाएंगे, मेमोरी लॉस सीएम। और दूसरी बात कि ये कब पलटी किधर मार देंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं, ये बात सब समझ रहा है। इसलिए देश के नेता लोग भी समझ रहे हैं, हम यही आग्रह करेंगे आपके के माध्यम से कि सबको लिखवा लेना चाहिए कि नीतीश बाबू आए थे, बाद में ही पलटी नहीं मारे।